in the stamen these parts can be seen this twig or little uh, stalk of the stamen it is called filament say filament okay what we are drawing we are drawing the diagram of stamen and what is stamen the stamen that is the single unit of androcyum एंड्रोशियम प्लूल रेफरेंस है बहुत सारे स्टेमेन मिलकर एंड्रोशियम बनाते हैं okay? uh, so इसमें इसे एंथर कहा जाता है नाउ दिस एंथर इट कुड बी डिवाइडेड बाई अ मस्कुलर वॉल इस तरह से एक मस्कुलर वॉल जो है एंथर के अंदर जो है अलग अलग पार्ट्स में उसे डिवाइड कर सकती है एंड ईच पार्ट नाउ कॉल एंथरलोब ठीक है हर पार्ट को हम क्या कहेंगे इट इज नाउ कॉल्ड एंथरलोब सो दिस पार्ट आल्सो कॉल्ड एंथरलोब और इस पार्ट को भी हम क्या कहेंगे एंथरलोब एक एंथर के अंदर टू थ्री फोर है ना मल्टी एंथरलोब हो सकते हैं नाउ दिस एंथरलोब कंटेनिंग द सैक और बैग लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस और ये जो बैग होते हैं दीज बैग्स आर कॉल्ड सैक ओके एक एंथरलोब में इस तरह से ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दीज आर कॉल्ड सैक इन्हें हम कहते हैं सैक इन्हीं पॉलन सैक के अंदर ग्रेनुअल लाइक पार्टिकल्स मतलब इस तरह से पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर पॉलिन ग्रेन भरे होते हैं बेटा ओके पॉलिन ग्रेन के अंदर ही फिर मेल गैमीट होता है सो so, इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं कुछ बड़े साइज के कुछ शॉर्ट क्योंकि कुछ जो है वो मेच्योर हो रहे हैं हम यहां शो कर रहे हैं कुछ का जो है डेवलपमेंट प्रोसेस गोइंग ऑन सो यू कैन ड्रॉ लाइक दिस सो दीज आर द पॉलिन ग्रेन ड्रॉ कर देते हैं ये है ओके? Okay? ये देखिए, देखिये हमने कर दिया, दीज़ आर एंड नाउ, द डायग्राम ऑफ कंप्लीट। ये इसके वेरियस पार्ट है इसी तरह से यहां हम पिस्टल या कार्पेल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहां मैं पहले मैंशन कर दे रहा हूं द डायग्राम ऑफ पिस्टल और इसी को कहा जाता है कारपेल नाउ व्हाट इज कार्पेल या पिस्टिल इट इज द सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सिंगल यूनिट क्या होती है बेटा पिस्टिल और कार्पेल तो यहां पर मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूं जल्दी से ये इस तरह से हमें डायग्राम ड्रॉ करना है भाई डायग्राम ऑफ पिस्टिल और कार्पेल इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें आ, इसका भी अलग अलग पार्ट है जैसे यहां हमने अभी को किया। अब हम इसके अलग अलग पार्ट जो है इन्हें लेबल करेंगे सो दिस हैड इट इज कॉल्ड स्टिग्मा इसे स्टिग्मा इस कहा जाता है बेटा उसके बाद आप देखिए ये हॉलो ट्यूब जो हमें दिखाई दे रही है दैट इज कॉल्ड स्टाइल ओके और इसी स्टाइल के अंदर से पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है एंड देन इट रीचेस द ओव्यूल और फिर जो है पोलन ग्रेन के के अंदर का मेल एग यानी कि फीमेल साथ फ्यूज होता है फर्टिलाइजेशन होता है सीड फॉर्मेशन होता है और फिर ये जो बेजल पार्ट है जिसको हम ओवरी के नाम से जानते हैं ओके दिस बेजल पार्ट ऑफ पिस्टल इट इज ओवरी तो ये ओवरी जो है फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है ओके okay? बेसिक कॉन्सेप्ट यू मस्ट स्टडीड इन गुड मैनर तो बेसिकली ये थ्री पार्ट जो है वो पिस्टल या कार्पेल में दिखाई देते हेड है स्टाइल और इस बेजल पार्ट को हम क्या कह रहे हैं ओवरी अब इस ओवरी के अंदर एक स्पेशल टिश्यू है वन स्पेशल टिश्यू इज फाउंड इन साइड द ओवरी विच इज बेस्ट कॉल्ड एज प्लेसेंटा इसका नाम जो है वो है प्लेसेंटा ओके okay? मैं कोशिश कर रहा हूं आप तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूं आपको एक अच्छा नॉलेज में प्रोवाइड कर सकूं तो प्लेसेंटा जो है वो स्पेशल टिश्यू है किसके अंदर ओवरी के अंदर और इसी प्लेसेंटा से इसी प्लेसेंटा से ओव्यूल ग्रो करता है तो ओव्यूल के लिए डायग्राम इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे ये देखिए जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं ओव्यूल जो है इसी के अंदर बेटा एग होता है सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल

तो हम ऐसे ही से ड्रॉ करेंगे ये जो आर्म है और इन आर्म्स को बेटा इंटमेंट कहा जाता है ये देखिए मैंने आपके सामने सिंबॉलिक स्ट्रक्चर जो है से से बना दिया और आप जब बनाए जरूर इस बात का ध्यान रखें कि यहां ओपनिंग होनी चाहिए ओव्यूल में इस तरह से ओपनिंग होती है इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहा जाता है अब यहां पर आप देख सकते हैं इनसाइड दिस ओव्यूल जब मैंने बोला ये आर्म है यहीं पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर भी है ओवल स्ट्रक्चर तो जैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाना है जिसे हम सैक कहते हैं या फीमेल गैमिटोफाइट तो पहले मैं यहां मेंशन कर दूं दिस इज ओव्यूल दिस इज द ओव्यूल वी हैव ड्रॉन हियर और ओव्यूल के अंदर ये जो है दिस इज फीमेल गैमिटोफाइट ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है इट इज फीमेल गेमेटोफाइट यसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं एम्ब्रियो सैक ओके और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एग होता है तो उसका भी मैं आपको मैं बेसिक क्लेरिफिकेशन uh, दे रहा हूं ये जो हमने माइक्रोपाइल बनाया है मैंने बोला था ओव्यूल की जो ओपनिंग है तो एम्ब्रियो सैक के अंदर इस ओपनिंग के साइड पर यहां हम ड्रा करेंगे एग तो एग जो होता है जनरली इस तरह से एक लार्ज सेंट्रल सेल होती है उसके साथ ये दो सेल ऐसे एसोसिएशन में साथ में होते हैं इन तीनों सेल्स को दीज थ्री सेल्स टुगेदर कॉल्ड एग अपेरेटस ओके इसको भूलेगा नहीं ये क्या कहलाते हैं एग अपेरेटस और जनरली ये जो बीच वाला है सेंट्रल लार्ज इसे ही हम कहते हैं एग ये जो सेंट्रल लार्ज है दिस इज कॉल्ड एग एग है एग के साथ यहाँ सेंटर में दो और न्यूक्लियस हैं, दो और सेल हैं इनको पोलर न्यूक्ली कहा जाता है और साथ में इस तरह से थ्री मोर सेल हैं, इन्हें एंटीपोडल कहा जाता है इनके बारे में हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी तब करेंगे जब ओव्यूल का डायग्राम हम डिस्क्रिप्टिव मैनर में स्टडी करेंगे ओके बट नाउ दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट आई मस्ट टेल यू उस तो तरह से हमने ये पिस्टिल या कार्पेल का डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है स्टिग्मा उसका हेड है स्टाइल ट्यूब है स्वेलिंग बेजल पार्ट ओवरी है उसके बाद एक स्पेशल टिश्यू है प्लेसेंटा कह रहे हैं प्लेसेंटा से ही ओव्यूल ग्रो करता है ओव्यूल के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं एक ओपनिंग है माइक्रोपाइल ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर है एंटीगुमेंट्स और बीच में यहाँ आप देख सकते हैं ये है एम्ब्रियोसेक ओके दिस ब्लू वन ये जो दिख रहा है आपको और इसे कहते हैं एम्ब्रियोसेक इसी एम्ब्रियो के सैक के अंदर फिर यहां पर एग है ओके सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर आई हैव गिवन हियर सो बेसिकली दीज आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेम एंड पिस्टल और क्षमा कीजिए यहां पर एक और पार्ट छूट गया है दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव या नाउ इट इज कंप्लीट सो कनेक्टिव इज दैट एट ज्वाइनिंग एरिया वेयर फिलामेंट एंड एंथर गेट अटैच उस एरिया को बेटा यहाँ कनेक्टिव कहते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने स्टेमेन का डायग्राम और पिस्टल का डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है आई होप कि अब ये डायग्राम आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा एंड वेन यू ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ एलस ऑफ bisexual फ्लावर तो आप फ्लावर का डायग्राम बनाएं साथ में अगर आप चाहें तो स्टेमेन और पिस्टल के डायग्राम को भी आप सेपरेटली ड्रॉ कर सकते हैं इट इज वेरी गुड फॉर एनहांसिंग योर मार्क्स सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग God bless you all.